प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और वॉर रूम के चेयरमैन नवीन जोशी ने जिला निर्वाचन सहायक जयप्रकाश नौटियाल से भेंट कर नगर निगम क्षेत्र देहरादून की मतदाता सूची में हो रही गड़बड़ियों के संबंध में अवगत कराया। नवीन जोशी ने कहा कि आज नगर निगम क्षेत्र का आम आदमी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। नगर निगम क्षेत्र के समस्त 100 वार्डों की मतदाता सूची का हमने अध्ययन किया और कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जहां पर मतदाताओं के नाम ना छेड़े गए हों और मतदाता सूची में त्रुटि ना हो। मतदान का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। जब तक नगर निगम क्षेत्र देहरादून के प्रत्येक नागरिक का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हो जाता तब तक कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ हम लोग आज गए थे लेकिन DM वहाँ पे नहीं मिली, तो हमने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नौटियाल जी हैं उनसे मुलाकात करी है। हमारे प्रतिनिधि मंडल ने उनको अवगत कराया है कि जो त्रुटियां देहरादून नगर निगम के अंदर 100 वार्ड की जो लिस्ट आई है हमने उसका अध्ययन किया है, तो कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें लोगों के नाम पे त्रुटि ना हो और लोगों के नाम उसमें सम्मिलित किए हों। पूरे कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनको पूरे क्षेत्र गायब कर दिए गए, जो कांग्रेस बाहुल्य क्षेत्र थे जहाँ से कांग्रेस को मतदान ज्यादा होता था वो सारे गायब कर दिए गए। लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। निष्पक्ष चुनाव की बात है तो वोट देने का अधिकार हर नागरिक का है। हमारी ये कोशिश रहेगी हर आदमी का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो और हर कोई आदमी मतदान करे जिससे कि निष्पक्ष मतदान हो सके। अगर सारे लोगों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं होंगे तो हम इसके लिए भी आंदोलन करेंगे। हमारा पहला प्रयास ये होगा कि सभी को मतदान का अधिकार मिले।